अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ कि खैरियत से होंगे। आज मैं और फैज़ान आए हैं कि एक छोटा सा ब्लॉग बनाया जाए। तो फैज़ान भाई, क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह। कैसे हैं आप? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाएं। तो कैसा लगा? अभी अलेन आए हैं हम और टाउन सेंटर है। यहाँ पर क्या आपने देखे? रेस्टोरेंट वगैरह है नहीं है? टाउन सेंटर में बहुत ज़्यादा रेस्टोरेंट है। अलेन में अगर ओवरऑल बात की जाए तो मेजॉरिटी जगह पे इतने रेस्टोरेंट नहीं होंगे। अच्छा। और टाउन सेंटर में फैसिलिटीज़ भी ज़्यादा हैं। ओके। तो उस हिसाब से अच्छा है, लेकिन अगर सुकून चाहिए तो बाकी अलेन में सुकून है, पीस ऑफ माइंड है। और यहाँ पर बैंक वगैरह भी है? बैंक वगैरह तो खैर हर जगह पे है, लेकिन डिपेंड करता है कि कौन सा बैंक आपको चाहिए। यहाँ पे ये है कि सारे बैंक्स मिल जाएंगे, बाकी जगहों पे स्पेसिफिक बैंक्स हैं या उनकी एटीएम मशीन्स वगैरह हैं। अच्छा। तो इतना प्रॉब्लम नहीं है। अगर किसी को चेक डिपॉजिट वगैरह करने होंगे तो उसके लिए फिर उसको देखना पड़ेगा। और यहाँ पर क्या बोल सकते हो, रूम वगैरह पार्टीशन यहाँ पे बहुत ईजिली अवेलेबल है टाउन सेंटर में, क्योंकि यहाँ पे विला बने हुए हैं तो पार्टीशन बेड स्पेस बहुत ईजिली मिल जाते हैं। बाकी जगहों पे भी मिलेंगे, लेकिन उसका की फैसिलिटीज़ नहीं होंगी जो यहाँ पे हैं। और इस हॉस्पिटल के बारे में कुछ आइडिया है? बुरजील सही है हॉस्पिटल, तो साफ सी बात है हम भी पहली बार ही देख रहे हैं, लेकिन हॉस्पिटल है बहुत वीआईपी किस्म का, तो इससे यही अज्यूम कर सकते हैं कि इलीट क्लास के लिए, मतलब लोकल्स या जो इलीट क्लास है। अच्छा। हाँ। और वेदर कैसा है? वेदर अलेन का सभी को पता है, काफ़ी गर्म एरिया ही है, क्योंकि इसके किसी भी बॉर्डर पे कोस्टल एरिया नहीं है, ये चारों तरफ से रेगिस्तान में घिरा हुआ है, तो गर्मी यहाँ पे ज़्यादा होती है। लेकिन अच्छी बात यह कि ड्राई हीट होती है, तो ह्यूमिडिटी की वजह से पसीना वगैरह या तेल वगैरह, स्किन ऑयली, इस तरह के कोई मसले नहीं होते, बस गर्मी आपको बर्दाश्त करनी पड़ेगी। और बीच वगैरह है यहाँ? नहीं, यहाँ पे बीच वगैरह यहाँ पे। जॉब या बिजनेस के लिए कौन सा स्टेट सही रहेगा? दुबई, शारजा, अजमान? दुबई शारजा। बाकी अजमान को मैंने स्टडी नहीं किया, क्योंकि जहाँ पे इंटरनेशनल एक्टिविटी ज़्यादा होती है वहाँ पे बिजनेस ग्रो करने के चांस कम हैं। अच्छा। क्योंकि अगर आप अलेन को देखें तो ये बहुत ज़्यादा एक्टिव एरिया नहीं है। टाउन सेंटर की एक अलग बात है, एक्टिव एरिया है, लेकिन उस तरह की एक्टिविटी नहीं मिलेगी जिस तरह की दुबई या शारजा में है। वो मेरे हिसाब से बिजनेस हब है। अच्छा, तो अगर कुछ अच्छा प्लान है या कुछ है इस तरह की एक्टिविटी, तो उस तरफ है इसका। इस बात से अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि यहाँ पे बेड स्पेस 300-350 में मिल जाती है। यही बेड स्पेस दुबई में इस वक्त जो है 750-800-900 इवन 1000 तक भी मिल रही है, डिपेंडिंग अपॉन के एरिया कौन सा। और बिजनेस या नौकरी में कौन सा चूज़ करोगे? सर अगर तो आपके पास फाइनेंशियल सिक्योरिटी है, किचन मनी का कोई इशू नहीं है, तो बिज़नेस की तरफ जाया जाए। कंसिडरिंग कि आपको अगर पहली बार कर रहे हैं तो जॉब आपके हाथ में हो, क्योंकि बिज़नेस चले ना चले इसका हम कुछ कह नहीं सकते। ओके। तो सेफ्टी होनी चाहिए कि घर वाले भूखे ना मरें, तो जाना बिज़नेस की तरफ चाहिए, लेकिन जॉब के थ्रू, जॉब भी बंदा करे बिज़नेस भी करे। हाँ, पूरा बिज़नेस पे मेरे अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से तब आना चाहिए कि जब बिज़नेस इतना मेच्योर हो जाए कि आपको पता है कि आपने इतना पैसा सेव कर लिया, रिज़र्व बना लिया, कि अगर एक बिज़नेस डूब भी गया तो मसला नहीं है। मीन्स मल्टी पोर्टफोलियो होना चाहिए, डाइवर्स पोर्टफोलियो होना चाहिए। अच्छा। 5-6 बिज़नेस लगे हुए हो, एक आधा डूब भी जाए तो कोई प्रॉब्लम ना हो आपका। सेकेंड, इन्वेस्टमेंट्स बहुत ज़्यादा हो आपके पास। थर्ड, कि जब जॉब के साथ साथ आप बिज़नेस कंटिन्यू ना कर पाओ, कि फुल टाइम आपको बिज़नेस में ही देना पड़ रहा है, तो फिर आप जॉब भले छोड़ोगे लेकिन सेफ्टी के साथ। अच्छा। क्योंकि आजकल मोटिवेशन स्पीकर जो होते हैं मेजॉरिटी, वो एक बहुत बेवकूफाना हरकत करते हैं कि जॉब करना ये है वो फलाना ढिमाका। ऐसा नहीं है, अगर वेल पेइंग जॉब है तो जॉब के साथ साथ ये मैनेज करें कि बिज़नेस कैसे किया जाए, क्योंकि जो हमारे आबाओ अजदाद हैं जो पुरानी सोच रखते हैं, उनका मसला ये है कि वो बोलते हैं कि बिज़नेस अगर कर रहे हो तो जॉब नहीं की जा सकती। सही, 21st century है, टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस हो चुकी है कि आप ऑटोमेशन की तरफ जा सकते हैं, लेकिन मसला ये है कि मेजॉरिटी लोग ऑटोमेशन की साइंस को नहीं समझते। आपके कहने का मतलब ये है कि नौकरी भी किया जाए और बिज़नेस भी की जाए, तो ये तो मुझे नामुमकिन लगता है ना। नहीं सर, पॉसिबल है। इसीलिए तो मैं बोल रहा हूँ कि पहले साइंस ऑफ ऑटोमेशन को समझें, कि पहले वो चीज़ें जो पॉसिबल नहीं थी आज वो पॉसिबल है। अब जो बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, आपको क्या लगता है वो 24 घंटे अपनी कंपनी में बैठे हुए होते हैं?
वो भी तो बिज़नेस कर रहे हैं, या जैसे हम जिस कंपनी में काम कर रहे हैं, आप बताएं ओनर के 24 घंटे आके बैठते हैं या सिर्फ 2 घंटे आके बैठते हैं? हाँ ये तो है। तो बिज़नेस कैसे चल रहा है उसका? और आपको तो पता है हम जहाँ काम करते हैं वहाँ इतनी आउटलेट्स हैं, तो वो हर आउटलेट पे जाके नज़र रखेगा। और अगर कोई शॉप खोल ले तो वो भी बिज़नेस है अगर शॉप और उसमें बैठा रहे? नहीं, ये अच्छा सवाल है, मिसकॉन्सेप्शन क्लियर करने की ज़रूरत है। जॉब, बिज़नेस और सेल्फ एम्प्लॉयमेंट में बहुत ज़मीन आसमान का फ़र्क है। अगर आप शॉप पे बैठे हुए हैं तो आप बिज़नेस नहीं कर रहे हैं, आप सेल्फ एम्प्लॉयड है, अपने लिए काम कर रहे हैं, मीन्स आपने अपने आप को हायर कर लिया जॉब के लिए। बिज़नेस वो होता है कि आपको इंडिपेंडेंट ऑफ लैंड, इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम कर दे, कि ना आपको वहाँ पे बैठना है ना आप उस ज़मीन की वजह से बाउंड हुए हो। सही। तो वो बिज़नेस है कि आप कहीं भी हो, आपको कोई मसला नहीं, आपका बिज़नेस चल रहा है। तो सेल्फ एम्प्लॉयड ये होता है कि मैं दुकान पे बैठ गया हूँ कैशियर बन के, और वहाँ पे बैठा हुआ कोई और काम नहीं कर पा रहा, तो मैंने अपने आप को बेसिकली जॉब पे बिठा लिया, हायर कर दिया। हमारे यहाँ प्रॉब्लम एक और ये भी है कि मेजॉरिटी लोगों को कई सारी चीज़ें पता ही नहीं है। लोग सेल्फ एम्प्लॉयड होते हैं और समझ रहे होते हैं कि हम बिज़नेस कर रहे हैं। बिल्कुल, ज़मीन आसमान का फ़र्क है। चलो इंशाल्लाह इस टॉपिक पे फिर बात करेंगे डिटेल के साथ इंशाल्लाह। और ये तो एक छोटा सा व्लॉग, अभी हम आ गए हैं लोलो हाइपर मार्केट, तो अभी देखते हैं अंदर कुछ खरीद तो फरोख करते हैं और फिर बाद में। अच्छा, बात एक और चीज़ ऐड करना चाहूँगा कि अभी रफाक भाई ने ये डिस्क्लोज़ नहीं किया कि मेरा बैकग्राउंड क्या है। अच्छा। तो इंशाल्लाह ताला हम अगली वीडियो में डिस्क्लोज़ करेंगे कि इतनी डिटेल से मैं बात क्यों कर पा रहा हूँ। ठीक है इंशाल्लाह। चलो ओके, मिलते हैं अगले व्लॉग के साथ इंशाल्लाह।